हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेहान सोनी चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर से मीशो हॉल लेके आप लोगों के साथ। आप लोग मेरी वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्द बैक टू बैक आप लोगों के साथ मीशो हॉल लेके आ रही हूँ। तो मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कुर्ती सेट एंड प्लाजो सेट, इसके अलावा मैंने काफी ट्रेंडिंग साड़ियां भी शेयर की हैं जॉर्जेट कपड़े में, ऑर्गेन्जा कपड़े में। और ट्रेंडिंग जो न्यू कलेक्शन है मीशो में अवेलेबल हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ बैक टू बैक शेयर कर रही हूँ। तो ज्यादा लेट नहीं करती हूँ मैं, जो भी न्यू कलेक्शन आता जाता है मैं जल्दी से आप लोगों के साथ परचेज करके उनका रिव्यू शेयर करती हूँ। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इस बार लेके आई हूँ काफी ज्यादा कलेक्शन, देख सकते हैं काफी न्यू कलेक्शन है जो मुझे आज और कल की डेट पे रिसीव हुए हैं। इसके अलावा भी मेरे पास और भी कलेक्शन है जिन्हें मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट साड़ी है, साड़ी नहीं है ये, कुछ डिजाइनर ड्रेस है जो मैंने फेस्टिव सीजन को माइंड में रखते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो लास्ट वीडियो में कलेक्शन मैंने शेयर किया था उसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि जो ट्रेंडिंग साड़ियां थी शायद आप लोगों ने मैं कहीं पे भी इनको रिव्यू में नहीं देखा था। मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ उन साड़ियों का रिव्यू किया था, क्योंकि जो इंस्टाग्राम में अवेलेबल है साड़ियां, इंस्टाग्राम और मीशो का कंपेयरिंग किया जाए तो मीशो में काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये ड्रेसेस अवेलेबल है। आप चाहे वो कुर्ती सेट हो, प्लाजो सेट हो, ड्रेस हो, इंडियन वेयर हो, वेस्टर्न वेयर हो, साड़ी हो, कुछ भी आप कंपेयरिंग करेंगे तो मीशो काफी कम प्राइस में सेम ड्रेस सेम चीज अवेलेबल करवा रहा है। तो मैक्सिमम लोग मीशो को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल करता है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है इस टाइप का, मुझे इस टाइप के पैकेजिंग में रिसीव हुआ था जिसे मैंने आपके सामने ही अनबॉक्सिंग किया है। तो काफी सुंदर पैकेजिंग में रिसीव हुआ है, पैकेजिंग अच्छी हो तो ड्रेस देखने में और अच्छा लगता है। मैंने इस बार कुछ डिजाइनर ड्रेस मंगवाई थी। सबसे पहले मैं ब्लाउज की बात करती हूँ, तो काफी सुंदर ब्लाउज है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये ड्रेस तो काफी अच्छी है, बट मैंने इसमें कलर जो मंगवाया था वो पिंक कलर मंगवाया था, बट पिंक कलर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था इसलिए मैं इस टाइप का कलर लेके आई हूँ। ये कुछ क्रीम एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, फ्लोलर प्रिंट में ये डिजाइन दिया हुआ है। प्रिंट देखिए कितना सुंदर है। तो मुझे जो ब्लाउज है वो ऑलरेडी स्टिचेस मिला है, थोड़ा सा कॉस्टली है ये ड्रेस बट काफी सुंदर है ये ड्रेस। तो ब्लाउज में कुछ फुल स्लीव्स का ब्लाउज है। अब वर्क की बात करती हूँ तो कुछ इस टाइप का वर्क दिया हुआ है, वी नेक में ये डिजाइन है, काफी सुंदर लग रहा है। फ्लोलर्ड प्रिंट के साथ आपको इसमें कुछ सीक्वेंस वर्क मिल रहा है एंड गोल्डन का जरी वर्क है और गोल्डन ही सीक्वेंस लगे हुए हैं। तो ओवरऑल ब्लाउज काफी अच्छा है, कपड़ा भी इसका काफी अच्छा है। बैक के लिए कुछ इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, कुछ बेल्टेस दी हुई हैं जिसे आप टाई करके वेयर कर सकते हैं, कुछ इस टाइप का ये बेल्ट प्रोवाइड की हुई है। स्टिचेस है, थोड़ा सा कॉस्टली है अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो में जो मैंने रिव्यू किया है उससे थोड़ा सा कॉस्टली है, बट काफी अच्छी साड़ी, इसे वेयर करने में आपको काफी अच्छा लगेगा। काफी आप इसको जो लुक क्रिएट करेंगे वो काफी स्टाइलिश लुक आएगा इसको पहनने से। तो मैं इसे ओपन करके आप लोगों के साथ बता रही हूँ, कुछ इस टाइप की ये साड़ी है। देखिए जो फ्लेयर वाली साड़ी होती है ना स्टेप बाय स्टेप, उस टाइप की मैंने ये साड़ी मंगवाई है, क्योंकि मैं अभी तक जो करवा चौथ में ड्रेसेस पहनती थी वो नॉर्मली साड़ी पहनती थी। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना कुछ न्यू ट्राई किया जाए, तो उसको माइंड में रखते हुए आप लोगों के साथ ये ड्रेस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि करवा चौथ के लिए भी स्पेशली ड्रेस अभी से ही परचेस करना होगा, तब कहीं जाके करवा चौथ में प्रॉपर रेडी हो पाएंगी। तो आप लोग भी यदि करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो लेट मत करिए, अभी से सर्च करना चालू कर दीजिए। तो इस टाइप की कुछ ड्रेस है, ग्रीन एंड लाइट क्रीम का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये प्रिंटेड वर्क है, जॉर्जेट का इसका कपड़ा है,
यहाँ पे आपको नाड़ा डालने के लिए जगह दी हुई है, आप अपने कमर के अनुसार अपने साइज के अकॉर्डिंग टाइट कर सकते हैं इसको। काफी अच्छी लग रही है मुझे ये ड्रेस। ये देखिए इसमें जो चुन्नी का वो दिया हुआ है पल्लू का, कुछ इस टाइप का फ्लेयर दिया हुआ है, काफी अच्छी लग रही है। सीरियसली ये ड्रेस काफी अच्छी है। तो फ्लेयर वाला कुछ पैटर्न है इसमें जी, आप लोग रेडी टू साड़ी बोल सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप इसमें काम है। ओवरऑल साड़ी काफी अच्छी लग रही है मुझे। तो यदि आप लोग को पसंद आ रही है तो आप लोग भी लेट मत करिए, जल्दी जल्दी जाइए चेकआउट करिए और ऑर्डर करिए। इसमें कलर काफी अवेलेबल थे बट मैं जब ऑर्डर करने गई तो मुझे पिंक कलर नहीं मिला, ना ही बेबी पिंक मिला। लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था तो मैंने लेट नहीं किया और इसको बाय कर लिया। आप लोग बताइएगा ये ड्रेस कैसी लगी है, कुछ यूनिक है अदर ड्रेस के कंपेयरिंग। तो आप लोग को यदि ये ड्रेस पसंद आती है तो जाइए चेकअप करिए ऑर्डर करिए। तो फर्स्ट मेरी ड्रेस ये थी जो मैंने करवा चौथ को माइंड में रखते हुए आप लोगों के साथ शेयर की है। सेकंड पैकेजिंग कुछ इस टाइप किया है, इस तरीके का पैकेट मुझे रिसीव हुआ है जिसे मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो पैकेट मुझे इस तरीके का रिसीव हुआ है, काफी सुंदर कलर है, स्काई ब्लू कलर की ये साड़ी है, पैकेजिंग काफी अच्छी है। मैंने जो आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो शेयर किया था, लास्ट टू लास्ट आए, उसमें मैंने एक आप लोगों को कॉटन की साड़ी शेयर की थी, तो उसी टाइप की ये साड़ी है। इसका जो कपड़ा है वो कॉटन सिल्क है, शायद मे बी मैं कपड़े के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, स्काई ब्लू येल्लो पिंक एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, कितनी सुंदर साड़ी है। फेस्टिव सीजन नवरात्रि में आप इन साड़ियों को वेयर करेंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा आपका। ओवरऑल साड़ी में इस टाइप का ही वर्क दिया हुआ है, ओवरऑल साड़ी में देखिए कितनी सुंदर साड़ी है। इसमें भी जरी वर्क है बट कहीं से भी आपको थ्रेड वर्क एंड जरी वर्क निकला हुआ नहीं दिखाई देगा, काफी फिनिशिंग के साथ ये वर्क किया हुआ है। ये रीजनेबल साड़ी है, ज्यादा महंगी साड़ी नहीं है, तो आप लोग इजिली इसको परचेस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की ये साड़ी में पल्लू दिया हुआ है, ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। यदि आप इसको स्काई ब्लू जो इसमें ब्लाउज पीस दिया होगा उसको यदि आप लोग ना सिलवा के पिंक कलर का या येलो कलर का ब्लाउज इसमें वेयर करेंगे तो काफी अच्छी साड़ी खिल के आएगी ये साड़ी, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग जो मैचिंग करना पहन के ब्लाउज जो इसमें कॉम्बिनेशन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग ब्लाउज पहनेंगे तो साड़ी थोड़ा सा डिफरेंट लुक देती है। पूरी साड़ी में इस तरीके का वर्क है। बॉर्डर की बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके की ब्रॉड बॉर्डर है, काफी सॉफ्ट कपड़ा है, ये फंसेगा नहीं ये सब कपड़ा, ना ही किसी चूड़ी में फंसेगा, थ्रेड नहीं निकले हुए इसके, पूरी साड़ी में इस तरीके का वर्क दिया हुआ है। मुझे ये साड़ी अच्छी लग रही है, इस टाइप की ये साड़ी है स्काई ब्लू में। और मैं जो आपसे बात कर रही थी कि आप थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ब्लाउज यदि वेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो सेम इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर का ही ब्लाउज रिसीव हुआ है। ये है ब्लाउज पीस जो कॉम्बिनेशन स्काई ब्लू के साथ दिया है, वो काफी खिल के आएगा इस साड़ी में, कितना फाइन कलर और कितना सुंदर कॉम्बिनेशन लग रहा है देखिए। तो साड़ी का ब्लाउज भी काफी अच्छा दिया है, पूरा ब्लाउज में इस टाइप का वर्क है, सेम सिल्क का ब्लाउज दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये साड़ी काफी अच्छी है, रीजनेबल प्राइस में है। तो आप लोग, मैं इसका कलर, इसमें जो कलर है वो और
कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है, सेम कलर का सेम वन पीस ये प्रोडक्ट है। यदि आप लोगों को ये कलर पसंद आता है स्काई ब्लू, तो आप लोग इसे ऑर्डर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अदर कलर कोई भी अवेलेबल नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, 5.5 मीटर की ये साड़ी है। और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे चेकआउट करिए, आपको ऑल इन्फॉर्मेशन इस साड़ी की मिल जाएगी। तो आपको ये सेकंड साड़ी कैसी लग रही है? एंड थर्ड साड़ी जो है आज की, वो इस तरीके की पैकेजिंग में रिसीव हुई है। मैंने इस बार जो साड़ियों का कलेक्शन मंगवाया है वो सिल्क की साड़ियों का कलेक्शन मंगवाया है, क्योंकि सिल्क की साड़ी काफी अच्छी होती है। तो इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे साड़ी रिसीव हुई है। पैकेजिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि साड़ी कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी पैकेजिंग की हुई है। मैं करवा चौथ को माइंड में रखते हुए ये साड़ियां परचेज कर रही हूं। वाओ, वेरी नाइस कलर, वेरी फिनिशिंग के साथ ये साड़ी दी हुई है। काफी सुंदर साड़ी है, रीजनेबल प्राइस में है। सबसे पहली बात, ये काफी रीजनेबल साड़ियां हैं, बट हैवी लुक देने वाली ये साड़ियां हैं। आप इसका वेट भी, यदि आप ऑर्डर करेंगे तो इसका वेट भी चेक कर सकते हैं कि प्योर सिल्क की साड़ी है, प्योर सिल्क। और काफी शाइन करने वाला कपड़ा है, वर्क काफी फिनिशिंग के साथ दिया है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं साड़ी की प्रॉपर बात करती हूँ। तो कुछ इस तरीके का हैवी पल्लू दिया हुआ है, देखिए कितना सुंदर है। थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी तक जो साड़ियां आती है उसमें कलर के साथ जो मेन कलर होता है उसके साथ गोल्डन का वर्क होता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें गोल्डन के साथ सिल्वर का वर्क दिया हुआ है, मेहरून के साथ सिल्वर वर्क है, तो काफी खिलके ये कलर आएगा पहनने पे। गोल्डन गोल्डन यदि कोई भी साड़ी है उसमें गोल्डन का वर्क दिया हुआ तो इतना खिलके नहीं आता जितना सिल्वर कलर इसमें खिलके आ रहा है। देखिए कुछ इस टाइप की डिजाइन पूरी साड़ी में बनी हुई है। तो आप डिजाइन देख सकते हैं। वर्क की बात करती हूँ तो ये जरी वर्क है, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये पीछे का वर्क है, और देखिए आगे का वर्क कितना फिनिशिंग के साथ ये वर्क दिया हुआ है, कहीं से भी कोई थ्रेड नहीं निकल रहा है। बॉर्डर की बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके की फ्लावर प्रिंट में बॉर्डर दी हुई है। काफी सॉफ्ट कपड़ा है, प्योर सिल्क का कपड़ा है, अफोर्डेबल प्राइस में ये साड़ी है, तो आप लोग इसको मिस मत करिए। मैं आप लोगों को बोलूंगी ये साड़ी काफी अच्छी है, आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं दीपावली में, करवा चौथ में ये पहनने के लिए साड़ी काफी अच्छी है। पूरी साड़ी में ये बॉर्डर दिया हुआ है। ब्लाउज की बात करती हूँ तो ये ब्लाउज दिया हुआ है, इसमें प्लेन ब्लाउज है सिल्वर बॉर्डर के साथ। कलर की बात करती हूँ तो इसमें कलर काफी अवेलेबल है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चॉइस कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं साड़ी। साड़ी का पल्लू जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो काफी हैवी पल्लू दिया हुआ है, देखिए कितना सुंदर पल्लू लग रहा है। साड़ी वेयर करने पर काफी सुंदर लुक देगी काफी ज्यादा, तो प्लीज लेट मत करिए साड़ी के लिए। मेरे विश्वास के साथ आप ये साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं, काफी सुंदर काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये साड़ी है। तो आज की ये थर्ड साड़ी मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई। वैसे तो मुझे तीनों साड़ियां पसंद आई हैं, बट ये सबसे बेस्ट साड़ी जो करवा चौथ एंड दीपावली में पहनने के लिए है वो ये साड़ी है, अभी तक की ये साड़ी है। पूरी साड़ी में इस टाइप का डिजाइन दिया हुआ है, पूरी साड़ी में बीच में ये वर्क है और जो सामने आएगा उसमें ये वर्क दिया हुआ है। अभी मैंने रिसेंटली तीज फंक्शन में प्रॉपर यूट्यूबर को ये साड़ी, इस टाइप की कुछ साड़ी रेड कलर की बट जॉर्जेट कपड़े में पहनी हुई देखी थी, उसी से मिलती जुलती ये हैवी साड़ी है। उनका तो नहीं बोल सकती हूँ मैं कि वो उनने कितने की खरीदी, बट उसी से थोड़ा सा मिलती जुलती ये साड़ी है, बट शायद उनकी साड़ी में थ्रेड वर्क का ये जरी वर्क है। ओवरऑल ये साड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज लेट मत करिए साड़ी को, चेक करिए, ऑर्डर करिए। इसमें कलर अवेलेबल है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की ये तीन साड़ियों का कलेक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को कलेक्शन कैसा लगा है? यदि आप लोगों को इनमें से कोई भी साड़ी
पसंद आती है तो प्लीज मुझे डीएम करिए और मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट ब्लॉग किस टाइप का देखना चाहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आप लोग प्रॉपर चेक कर पाएंगे कि ये साड़ी वेयर करने पर कैसे आ रही है और मैं इस साड़ियों को किस टाइप से लुक क्रिएट करूंगी इन साड़ियों के साथ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यदि आप लोगों को मेरा लुक पसंद आता है तो आप दीपावली करवा चौथ में उस टाइप का लुक अपने साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और इसी तरीके से आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.